तो EMMC से क्या होता है, CPU डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और पावर आईसी से पावर बनती है CPU के लिए, AMMC के। इसी पावर आईसी को हम बक कन्वर्टर आईसी बोलते हैं। बक कन्वर्टर आईसी जो होता है हमारा पावर आईसी होता है। अब इस पावर आईसी से अलग अलग सप्लाइयाँ निकलती हैं, जैसे कि अगर पावर आईसी के साथ में 6 सप्लाइयाँ निकल रही हैं तो CPU को आपकी जाएंगी 4-5 सप्लाइयाँ। तो देखेंगे कौन सप्लाई CPU के अंदर जाती है और पावर आईसी से कौन सप्लाई हमारा नेटवर्क सेक्शन में जाती है, कौन सी सप्लाई पूरे बोर्ड में ट्रेवल करती है। अब या तो आपको पहले स्ट्रक्चर देखना है, आपको या तो इस तरह की फोन मिलेगी जिसमें आपको एक EMMC चिप, एक CPU और केवल एक पावर आईसी और इसके साथ में एक चार्जिंग आईसी मिलेगी BQ वाली, यानी कि चार्जिंग आईसी। या तो ये स्ट्रक्चर होगा फोन का। अब चार्जिंग आईसी से एक सिस्टम यानी VPH पावर निकलता है जो इसमें कनेक्ट होता है, और चार्जिंग आईसी से पहले VBAT होता है, यानी VBAT जो होगा चार्जिंग आईसी के अंदर इन करेगा तो चार्जिंग आईसी से VPH पावर निकलेगा, पावर आईसी में इंटर करेगा। अब पावर आईसी से ढेर सारी पावर निकलेगी, CPU के अंदर इंटर करेगी। अब उस सबका नाम बताएंगे क्या होती है, कौन सी पावर होती है, कब क्या बनता है। और पावर आईसी से ढेर सारी LDO वोल्टेज भी निकलती है जो CPU के अंदर भी जाती है, EMMC चिप के अंदर भी जाती है और अदर सेक्शन में भी जाती है। जो इसमें से बहुत सारी सप्लाइयाँ होती हैं जो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कंट्रोल की जाती है, जैसे कि कैमरा को कैमरा, या जैसे कि माइक की पावर, जब हम कॉल करते हैं तो माइक पर वोल्टेज आता है 2.8 वोल्ट। तो इस तरह के भी पावर यहाँ से निकलते हैं, सबका नाम भी देखेंगे विस्तार से। अभी ये केवल एक स्ट्रक्चर आपको इस तरह का फोन मिलेगा। अब इस तरह के फोन में और भी छोटी चीज, ये मेजर आईसियां मिलेंगी 4। इसके बाद आपको नेटवर्क का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पावर का केवल बता रहा हूँ। इसके बाद आपको फोन ऑन होने के लिए आपको 2 आईसियां और भी कंपलसरी है, जिसमें एक होती है आपकी लाइट आईसी, और एक होती है आपकी डिस्प्ले आईसी, यानी कि डिस्प्ले बायस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको डिस्प्ले बायस बोलते हैं, यानी कि डिस्प्ले की +5 वोल्ट और -5 वोल्ट, ये 2 वोल्टेज। और लाइट आईसी जो होती है LCD एनोड सप्लाई, ठीक है। ये 2 आपकी आईसी आपके फोन के अंदर होगी, जिसमें चार्जिंग आईसी अलग से दी होगी। इसके साथ में एक और आईसी होती है जिसको फ्लैश आईसी बोलते हैं, फ्लैश यानी कि जो फ्लैश लाइट होती है। अब अगर आपका फोन इस पैटर्न पे बना है जिसमें BQ आईसी लगी है, तो उसमें आपको ये अलग अलग 3 आईसियां देखने को मिलेंगी। या फिर कोई और चार्जिंग आईसी का यूज किया गया है तो उसमें भी आपको ये 3 अलग अलग आईसियां देखने को मिलेंगी। और एक पावर आईसी मिलेगी, और एक CPU मिलेगी, एक MMC मिलेगी, बाकी नेटवर्क के लिए आईसी होगी, वाईफाई के लिए आईसी होगी। लेकिन अगर चार्जिंग आईसी को, लाइट आईसी को, डिस्प्ले आईसी को और फ्लैश आईसी को मिला दिया जाए, एक ही में मर्ज कर दिया जाए, तब आपका फोन जो होगा ऐसा हो जाएगा, EMMC, CPU और 2 पावर आईसी। एक होगा PMI बोले जाएगा उसको, और एक जो PM होगा, एक जो होगा वो क्या होगा, PM होगा। क्वालकॉम में आईसी को हम PM से बोलते हैं और PMI से बोलते हैं क्वालकॉम फोन में। और अगर MediaTek का होगा तो MT और MT करके दोनों पे लिखा होता है। तो आपका फोन में PMI तब आता है जब आपके फोन में लाइट आईसी, डिस्प्ले आईसी, यानी कि डिस्प्ले की बायस जिसको बोलते हैं, और फ्लैश आईसी और चार्जिंग आईसी, इन चारों को मर्ज कर दिया जाता है, तब आपके फोन में PMI आता है। और कुछ PMI ऐसे भी होते हैं जिनमें लाइट आईसी नहीं होती है, उस आईसी के बाहर होती है केवल लाइट आईसी, जैसे कि PMI 632। इसके अंदर लाइट आईसी नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर डिस्प्ले की बायस होती है, बाकी ये तीनों होती हैं नीचे वाली, और चार्जिंग भी होती है PMI 632 में। लेकिन अगर यही PMI 8952 है या 8940 है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होंगी। लाइट आईसी, डिस्प्ले की बायस +5 वोल्ट होती है और होती है -5 वोल्ट,
फ्लैश लाइट और चार्जिंग आईसी, ये सब हमारा पीएमआई के अंदर इनबिल्ड होती है, चार चीजें अगर पीएमआई है फोन में तब। और पीएमआई से क्या निकलता है वो आपको देखना है, अभी स्कीमेटिक के थ्रू हम देखेंगे। पहले ये दो टाइप का ही फोन आपको नजर आएगा मार्केट में, जितना भी फोन है उसमें ऐसे ही मिलेगी आपको, या तो पीएम के साथ एक पावर आईसी के साथ फोन बनी होगी और इसमें छोटी छोटी आईसियां लगी होंगी चार पांच, या तो आपकी केवल दो पावर आईसी होगी पीएमआई और पीएम। और वीवो के फोन को छोड़ के, वीवो के फोन को अलग से देखा जाएगा, वीवो के फोन में कई बार ऐसा होता है कि पीएमआई भी रहेगी पीएम भी रहेगी और उसके साथ भी डिस्प्ले बायस रहेगी और चार्जिंग की आईसी भी रहेगी और लाइट की आईसी भी रहेगी, ऐसा हो जाता है कई बार। सॉरी, चार्जिंग की आईसी नहीं रहेगी, लाइट की आईसी और डिस्प्ले की आईसी अलग अलग भी लगी रहेगी उस पे। चार्जिंग की आईसी पीएमआई के अंदर ही रहती है, दो जगह नहीं हो सकता वो, तो उसमें सर्किट यूज नहीं किया जाता है लाइट और डिस्प्ले का। पीएमआई के अंदर अलग से उन्होंने पावर लाइट के लिए डिस्प्ले के लिए बना रखा है सर्किट। वीवो के फोन को हम बाद में समझाएंगे, बाकी सारे फोन इसी स्ट्रक्चर में मिलेंगे जिसमें आपका पीएमआई होगा पीएम होगा, या फिर पीएमआई नहीं होगा केवल पीएम होगा और छोटी छोटी लाइट आईसी डिस्प्ले आईसी और फ्लैश आईसी नजर आएगी। ठीक है, यहाँ हार्डवेयर सॉल्यूशन से दिखाएं तो थोड़ा क्लियर दिखेगा, और जो रनिंग बोर्ड है उसी का दिखाते हैं। तो एक आपको यहाँ पे 5A का दिखा दे रहे हैं और एक 5+ का, और 6A में मीडियाटेक है तो मीडियाटेक का भी दिखा देंगे अभी। और एक मिनट, ये हमारा कहाँ गया, ऑन ऑफ वोल्टेज, इन आउट वोल्टेज यही होगा। हूँ, इन आउट वोल्टेज इसलिए खोल रहा हूँ कि इसमें पूरी पत्री जो होती है निकली होती है। रेडमी 6A, चलिए मीडियाटेक का एक खोल दिया ना, हो गया। चलिए 9 का भी खोल देते हैं क्योंकि मीडियाटेक MT6757 CRB को BQ के साथ भी कंसीडर कर लेंगे। एक वीवो का खोल देते हैं ताकि उससे क्या होगा कि वो कंफ्यूजन भी थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेडमी 5A का। 5A खुला नहीं क्या? दिक्कत इसमें यह है कि इसको छोड़ के हटेंगे तो ये लोड नहीं लेगा, पूरा लोड ये यहीं पे खुलेगा तभी हम साइड जा सकते हैं। यहाँ पे अभी इसमें टैब पे क्लिक कर देंगे तो ये जो पीछे वाला डॉक्यूमेंट है ये ओपन नहीं होगा, तो इसको जब तक ये ओपन नहीं हो जाता तब तक वेट करना पड़ता है यहाँ पे। और आज इसका शाम से ही सर्वर थोड़ा डाउन भी चल रहा है। सबसे पहले 5A देखेंगे, यहाँ पे रेडमी 5A का बोर्ड है ये। इसमें आपका यहाँ पे पावर आईसी, पावर आईसी बोलना, सीपीयू, यहाँ पे ईएमएमसी चिप, सीपीयू ईएमएमसी चिप और पावर आईसी है। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर आईसी जिसके बगल में बहुत सारी कॉइलें लगी होती हैं। ठीक है, जिसके बगल में बहुत सारी कॉइलें लगी होती हैं वो होती है पावर आईसी। अब इसमें पीएमआई नहीं है, इसमें ये बॉक्स जो है ना, यहाँ पे एक बॉक्स खोली गई है यहाँ पे इस आईसी को छोड़ के, तो इसके अंदर में हमारा पूरा नेटवर्क का सेक्शन होता है। बॉक्स के बाहर यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है बीक्यू आईसी है ये। तो एक साइड में तो हमने देख लिया, दूसरे साइड में क्या है, इधर में आपका
BQIC है, BQIC जो कि चार्जिंग आईसी है। इधर में आपका लाइट आईसी है, लाइट कॉइल है, लाइट डायोड है। यहाँ पे लूबो की एक आईसी लगी होती है जो डिस्प्ले बायस की आईसी है, लूबो करके लिखा होगा इसके ऊपर में, डिस्प्ले की बायस आईसी, जिसमें +5 वोल्ट -5 वोल्ट। और यहाँ पे फ्लैश की आईसी है, जो फ्लैश लाइट होता है उसके लिए यहाँ पे आईसी लगाई गई है। बाकी ये चार आईसी, एक ये दो, ये भी फ्यूल गेज भी इसके अंदर होता है PMI के अंदर। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच आईसी जो है अलग अलग हो गई अगर PMI नहीं है तो, और अगर PMI है तो ये सब उस PMI के अंदर होती है अदर फोन में, MI के फोन में, Realme में भी, Oppo में भी ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन Vivo में अलग हो जाता है कभी कभी, उसमें भी ऐसा ही होगा लेकिन कुछ फोन में अलग हो जाता है। अब Redmi 5 Plus को देखेंगे तो इसका उससे थोड़ा अलग होगा, इसमें CPU eMMC चिप, ये PMI है, CPU के बगल में लगी है, क्योंकि इसके बगल में क्वाइल ज़्यादा नहीं है, दो इधर और दो इधर, चार क्वाइलें लगी हैं जो लाइट। तो यहाँ पे CPU है, eMMC है, PMI है, PMI की यानी कि पावर आईसी जो होती है हमारी, जिसके अंदर हमारी ये पांच आईसी है जो गिनाया मैंने, वो पांचों आईसी इसी के अंदर इनबिल्ड होती है। रिकॉर्डिंग चल रही है। और बाकी यहाँ पे जो आईसी लगी है इसमें देखिए, बगल में क्वाइलें लगी हुई हैं, चार क्वाइल इधर, तीन क्वाइल इधर, सात क्वाइल लगी है इसमें, एक दो तीन चार और तीन सात। तो जिस भी आईसी के अगल बगल इस तरह से क्वाइल घिरी होती है वो पावर आईसी। तो यहाँ पे पावर आईसी, यहाँ पे पावर आईसी, ये PMI बोला जाएगा। इसके ऊपर लिखा है क्वालकॉम PMI 8952 और इसके ऊपर लिखा रहता है PM 8953। ये 53 है और ये 52 है, ठीक है, और इसके साथ में CPU भी 53 है, 89 MSM 8953, ठीक है। तो मैक्सिमम फोन में ऐसा होता है कि CPU के कोड से मेन पावर आईसी का कोड मैच करता है और PMI का कोड मैच नहीं करता है, पूरी तरह से नहीं करेगा। और eMMC चिप का तो अलग ही खेल होता है, इसमें किसी में SK INX लग जाएगा, किसी में सैमसंग लग जाएगा, किसी में सनडिस्क लग जाएगा, किसी में माइक्रोन, तो कुछ भी उसमें लग सकता है, उसकी कंपनी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो पावर आईसी हो गया यहाँ पे, तो ये दो टाइप का फोन मिलेगा। अभी रेडमी 9A का देखते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग होगा, पूरा अलग नहीं होगा, इसमें आपका ये वाईफाई सेक्शन का हो जाएगा, वो तो अलग है। इसमें पावर आईसी आपको दिखेगा केवल, MediaTek का फोन है ये, इसमें ये एक पावर आईसी दिखेगा 6357 CRB, A6357 CRB पावर आईसी, क्योंकि इसके बगल में पांच कॉइलें दिखेंगी, एक दो तीन चार और ये पांच, और एक ये अलग से कॉइल होती है, इसके साथ में एक अलग से आईसी होती है। तो ये छह कॉइल हो गया, जो इस ये जो कॉइल है उसकी आईसी यहाँ पे लगी होती है, बाकी ये पांच कॉइलों की कॉइल जो है वो इस आईसी के साथ कनेक्ट होती है जो पावर आईसी है। तो MediaTek 6357 CRB में आपको हमेशा छह कॉइल ही देखने को मिलेगी, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे सारे कॉइल का पावर कितना है, GR कितना है, क्यों बनता है पावर, उस पर कहाँ पे बनता है। तो ये 6357 CRB हमारा, इसके साथ में फिर हमको लाइट आईसी चाहिए, डिस्प्ले आईसी चाहिए, चार्जिंग आईसी चाहिए, फ्लैश आईसी चाहिए या फिर एक PMI चाहिए। तो इस फोन में PMI नहीं है, इस फोन में PMI नहीं है, तो इसमें क्या होगा, अपने आप समझ में आ जा रहा है हमको कि इसमें सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। और यहाँ पे इसमें eMMC चिप लगाई गई है और यहाँ पे भी एक eMMC चिप यूज़ होती है जो कि हमारा प्रोग्राम को कंट्रोल करती है। इधर में देखिए यहाँ पे क्या है, BQ लगी हुई है, यहाँ पे BQ IC है ये, जो कि हमारा चार्जिंग आईसी है, इसके बारे में भी हम आगे स्कीमेटिक में देखेंगे। चार्जिंग आईसी हो गई, यहाँ पे आपका डिस्प्ले की बायस आईसी हो गई, और लाइट आईसी इसमें कहीं होगी, और बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे फ्लैश आईसी हो गई और लाइट की डायोड नजर नहीं आ रही है मुझे, शायद यहीं कहीं है वो, यहाँ तो LDU कंपोनेंट है। तो चलिए 9A का दिखाई देते हैं, उसमें लाइट वाला भी तो होगा ना, वहाँ पे LCD का है और LCD लाइट का है। देखिए यहाँ पे जो लाइट की आईसी लगी हुई है
लाइट कॉइल, वहीं डायोड है, नज़र नहीं आया मुझे। हाँ यहाँ पे लाइट की आईसी, लाइट की डायोड और लाइट की कॉइल, और ये हमारी चार्जिंग की आईसी, ठीक है, चार्जिंग की आईसी। अभी कोई सप्लाई मैं नहीं बताया, केवल आईसी दिखा रहा हूँ। और आपका यहाँ पे एलडीओ कंपोनेंट और यहाँ पे लूबो लिखा हुआ है, ये हमारा डिस्प्ले आईसी और डिस्प्ले का कॉइल, ये डिस्प्ले बायस की आईसी, जिसमें से +5 वोल्ट -5 वोल्ट यहाँ के कैपेसिटरों पे नज़र आएगा। तो डिस्प्ले आईसी और लाइट आईसी यहाँ पे दिख रहा ना, आईसी अलग अलग है, चार्जिंग आईसी अलग है, लाइट आईसी अलग है, डिस्प्ले आईसी अलग है, ये तो 4G RF है। तो इस तरह से आपको फोन देखने को मिलेगा, इसमें फ्लैश आईसी ऊपर हमने दिखाई दिया, यहाँ पे ये वाईफाई के लिए, और नेटवर्क का सेक्शन इधर होगा। तो नेटवर्क को तो हम देखेंगे बाद में, जब हम नेटवर्क पढ़ेंगे तो नेटवर्क का अलग से देखेंगे। अब एक बचा हुआ वीवो, इन सबको हम कट करते हैं, वीवो का देख लें और उसके बाद से आगे बढ़ें, क्योंकि हम पीएमआई का भी देख लिए, बीक्यू के साथ में दो आईसियां देख लिए, पीएमआई यानी कि क्वालकॉम पीएम देख लिए और मीडियाटेक भी देख लिए। अभी हमको ये वीवो V9 का बोर्ड देखना है, इसमें ये दोनों आईसियां लगी हुई हैं, पीएमआई भी लगी हुई है, पीएम भी। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉइलें लगी हैं, ये हमारा 8937 होगा, दिख तो नहीं रहा है लेकिन पीएम 8937 ही होना चाहिए 6 कॉइलों के साथ में। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये तो आप कंफ्यूज करेगा कि 6 कॉइल इधर भी है, 6 कॉइल इधर भी है, तो क्या है ये? तो यहाँ पे हमको टेस्टिंग से ही पता चलेगा कि ये क्या है वो क्या है। तो एक चीज़ यहाँ पे हमको कॉमन दिख रही है, अलग दिख रही है, यहाँ पे क्रिस्टल कनेक्ट है, ये हमारा मेन पावर है, यहाँ पे 26 MHz की क्रिस्टल कनेक्ट है, सॉरी 26, हाँ ये 26 है, RTC होता तो 19.2 होता, ये क्रिस्टल कनेक्ट है। तो ये हमारा मेन पावर है, जहाँ पे हमारा S1 S2 वाली पावर बनती है, और यहाँ से LDO करके निकल रही है, वीरेज करके, तो यहाँ पे भी हमारी पावर आईसी लगी है। तो दो पावर आईसी इसमें लगी है, एक पीएम है और एक पीएमआई है। यहाँ पे कोड नज़र नहीं आ रहा है, स्कीमेटिक्स के थ्रू देखेंगे जब पढ़ेंगे तो। लेकिन इसके बाद भी हमारा इस फोन में केवल बॉटम ही दिया है क्या? 1 मिनट, हाँ केवल एक ही साइड का दे रखा है, वीवो V9 का। तो इसमें हम लाइट का देख लेते हैं, LCD का। ये सब आप भी देख सकते हैं बोर्नियो से, लेकिन ये कि पता रहेगा तो थोड़ा हेल्प मिलेगा। अभी लाइट का इसमें वहीं पे बनाया गया है अंदर में, नहीं यहाँ पे केवल वीरेज निकाल रहा है उस आईसी। और यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है ना, ये दोनों आईसियाँ, ये थोड़ी सी अलग आईसी है, ये PMI 8952 नहीं है, यहाँ पे PM660 लगा है और यहाँ पे PM660L लगा है। एक आईसी को देख के हमको समझ में आ गया कि ये कौन सी आईसी है, ये PM660 है, ये PM660L है, जबकि PM660L के साथ में लाइट की क्वाइल, लाइट की डायोड होती है, लेकिन यहाँ पे लाइट की क्वाइल डायोड नहीं दिख रही है, VPS पावर की काली दिख रही है। और लाइट का सेक्शन यहाँ पे कहीं और है, देखिए यहाँ पे बनाया है, ये अलग से बना दिया है, लाइट की क्वाइल, लाइट की डायोड, लाइट की आईसी, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले की ये आईसी हो सकती है, इसके सामने दो कैपेसिटर होगा +5 वोल्ट -5 वोल्ट का, और एक कैपेसिटर होगा VPH इनपुट का, यहाँ पे डिस्प्ले बायस की VPH पावर इस कैपेसिटर से हो सकती है कनेक्ट हो, ये हमारा डिस्प्ले बायस की हो सकती है, या फिर हमारा डिस्प्ले बायस की यहाँ हो सकती है। अभी आईसी का कोड दिखता तो कंफर्म हो जाता है ये डिस्प्ले बायस है कि ये डिस्प्ले बायस है। तो यहाँ पे लाइट हमको अलग दिखा ना, दोनों आईसीयू के साथ में यूज नहीं की गई है लाइट को, लाइट को अलग से यूज की गई है, LCD सेक्शन को मैंने केवल देखा। तो LCD सेक्शन की ये जो डिस्प्ले की ग्राफिक लाइन है वो सीधे CPU से आती है, ठीक है, लेकिन LCD पर जो +5 वोल्ट -5 वोल्ट बनता है वो डिस्प्ले आईसी से बनेगी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई नहीं गई है, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई नहीं, इसके थ्रू हम रिपेयर कर ही नहीं सकते फ़ोन को। तो खाली बोर्नियो होने से फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाएगा, उसके बाद भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि
क्या चीजें हमको पहले चेक करनी है, क्या बाद में चेक करनी है। अब एलसीडी लाइट को देखते हैं। देखिए यहां से सर्किट बनाई गई है एलसीडी लाइट की, यहां से तो पावर निकल रही है और यहाँ पे हमारा वीपीएस पावर आ रहा है कॉइल पे। ये लाइट की कॉइल, लाइट की डायोड और लाइट की आईसी यहाँ पे लगी हुई है, जबकि एलसीडी में ये कोड पढ़ना पड़ेगा। अभी हमको नहीं पता चल पा रहा है कि ये लाइट डिस्प्ले की आईसी है कि ये डिस्प्ले की आईसी है, तो आईसी को थोड़ा सा साफ करके उसके ऊपर के कोड को गूगल पे डालेंगे तो दिखा देगा वो डिस्प्ले बायस की आईसी है, तो आपको वहां से कंफर्म हो जाएगा कि वो हमारे डिस्प्ले बायस है। या फिर आप +5 वोल्ट -5 वोल्ट ऑन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिस्प्ले लगा के, जिसपे भी +5 वोल्ट -5 वोल्ट आता होगा वो आपकी डिस्प्ले की आज ही हो जाए। यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे उस तरह से चेक करना पड़ेगा, और कोड पे उसके ऊपर जो कोड लिखी होती है उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी आईसी है। किसी भी फोन में उसको गूगल पे लिख देंगे तो फोन मिल सकता है। अब हमको देखना है सर्किट में ये कैसे कनेक्ट होते हैं। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, जी तो अब हमको देखना है आईडी की लाइन और थर्मल की लाइन। ठीक है, और देखना है पूरी पावर कनेक्टिविटी की लाइन, पावर लाइन। तो हम आईडी थर्मल को डेटा लेवल पे कंसीडर करेंगे और इसको पावर लेवल पे कंसीडर करेंगे। तो आईडी थर्मल को अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम पावर लाइन को डिसाइड कर ले कि कहाँ कहाँ जाती है। तो इस आईडी थर्मल को, इन इन एरिया को ही हम इरेज करते हैं अभी। तो पहले हम एक आईसी बनाते हैं, और ये आईसी हमारा होगा चार्जिंग की आईसी होगी, या फिर हमारी पावर की आईसी पीएमआई हो सकती है, पीएमआई हो सकती है, या फिर बीक्यू आईसी जो होगी चार्जिंग की वो हो सकती है। इन दोनों पे हमारा, दोनों या करके लिखा, या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे, इन पे हमारा क्या इन करेगा, वी बैट, बैटरी की कनेक्शन इस आईसी से कनेक्ट होगी। हम डायग्राम के थ्रू भी बाद में पढ़ेंगे, पहले इस तरह से पढ़ लिया जाए। जब आईसी से आउटपुट निकलती है तो एक मेन पावर होती है जिसको हम लोग जानते हैं वीपीएच पावर नाम से, इसी को बोलते हैं वीपीएच पावर। जब चार्जिंग आईसी से एक पावर बाहर निकलती है तो एक कॉइल से होके निकलती है, उसी को बोलते हैं वीपीएच पावर। ये वीपीएच पावर जो होता है हमारे फोन में ट्रेवल करता है, हर जगह हर एक सेक्शन में ट्रेवल करता है एज ए इनपुट पावर। बहुत सारी आईसियां हैं जिनकी इनपुट पावर है ये हमारा वीपीएच पावर, जैसे फोन हमारा मेन पावर फोन का ये होता है वीपीएच पावर। बैटरी से पुराने फोन में यूज किया जाता था कि बैटरी की पावर पीएम के अंदर चली गई, मेन आईसी के अंदर बैटरी की पावर आरएफ सेक्शन में चली गई। अब हमको ये जानना है कि ये जो वीपीएच पावर है वो कौन कौन से सेक्शन में जाता है। तो सबसे पहले बात आप ये याद रखिए कि ये वीपीएच पावर दो जगहों पर नहीं जाती है, ये होती है 3 पॉइंट। अभी जीआर वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी चलिए ठीक है, आपने बोल दिया तो लिख देता हूँ। 3.7 वोल्ट की लाइन होती है और इसकी जीआर वैल्यू 400 350 के आसपास में होती है। बैकवर्ड बायस में जब चेक करेंगे तो जीआर मिलेगी। चलिए जीआर को भी बता देंगे कैसे निकलता है, कैसे आपको जीआर दिखेगा मल्टीमीटर से। अब ये किस किस सेक्शन में जाती है ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वीपीएच की लाइन में शॉर्टिंग मिल रहा है तो आपको कहाँ कहाँ रिपेयर करना ये पता होना चाहिए। पता चले आप सीपीयू ही निकाल दो। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये दोनों पावर जो है ये सीपीयू और ईएमएमसी के अंदर नहीं जाती है कभी भी किसी भी हाल में। सीपीयू के अंदर और ईएमएमसी चिप के अंदर, ये आईसी के अंदर ये पावर नहीं जाती है। ठीक है, इस आईसीओ के अंदर ये पावर नहीं जाती है। कौन सी पावर? तो वीपीएच पावर। तो कभी भी ऐसा हो कि फोन में बैटरी ड्रेन हो रहा है, या फिर बहुत तेजी से फोन हीट हो रहा है, या फिर फोन ऑन हो रहा आधे घंटे में बंद हो जा रहा है, तो आप बहुत ज्यादा शॉर्टिंग है फोन में वीपीएच पावर की लाइन में, दोनों साइड से आपका वो आ रहा है जीआर वैल्यू आ रहा है, या फिर आपका साउंड आ रहा है बजर साउंड यहाँ पे आ रहा है, तो आपसे अगर नहीं निकलता है तो आप कभी ये मत सोचना कि सीपीयू शॉर्ट हो गया इस वजह से ऐसा हो रहा, क्योंकि वो शॉर्टिंग हटता है 100% हटता है और वो फोन बन के जाता है, वो कन्फर्म बन के फोन जाता है। 100% बनने वाली फोन होती है वो वीपीएच लाइन की शॉर्टिंग वाली फोन। अगर वो नहीं बनेगा तो हो सकता है कि आपको बनाने ही नहीं आ रहा है। तो वीपीएस लाइन में हाफ शॉर्टिंग हो या फुल शॉर्टिंग हो, बन के ही जाना है उसको, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम फोन आएगा, 80% फोन ऐसा आता है जिसमें वीपीएच लाइन खराब मिलेगा आपको, सबसे फर्स्ट केस।
अगर फर्स्ट टाइम आपके पास आया तो, अगर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम किसी के पास से रिटर्न होके आ रहा है तो उस फोन में डेटा लेवल की प्रॉब्लम होती है, या फिर क्लॉक लेवल की प्रॉब्लम होती है, या फिर माइन्यूट सी सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, या फिर LDO सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से जिसने भी पहले देखा वो उसको अच्छे से ट्रबल शूट नहीं कर पाया, वो चेक नहीं कर पाया कि कहाँ पे खराबी है। क्योंकि उसको अगर पता भी होगा तो केवल VPS, बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियन होते हैं दुकानों पे जहाँ पे लोगों को लगता है कि अरे बहुत जानकारी है उसको, कुछ जानकारी नहीं होता है, केवल वो VPS के बारे में ही अच्छे से जानते हैं तो भी फोन रिपेयर कर लेते हैं और आसानी से रिपेयर कर लेते हैं, खाली VPS पावर जानते हैं। तो VPS पावर इसी PMI से निकलेगी बाहर, और PMI में पहले कौन जाएगा, तो बैटरी की पावर जाएगी और चार्जिंग की पावर जाएगी। जब चार्जर लगाएंगे तो चार्जिंग IC कहाँ है, PMI के अंदर है, या फिर चार्जिंग IC कहाँ है, BQ के अंदर है। तो जब चार्जिंग लगाएंगे तो चार्जिंग की पावर जो है या तो BQ में जाएगी या तो PMI में जाएगी। तो PMI से भी निकलेगी VPS पावर, अगर BQ लगा है तो BQ से निकलेगी VPS पावर 3.7 वोल्ट, और यही वोल्टेज आपके पूरे बोर्ड में ट्रेवल करेगी। तो कौन कौन से सेक्शन में जाती है मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ। तो ये VPS पावर आपकी जाएगी RF सेक्शन में। अब RF सेक्शन क्या होता है, RF सेक्शन यानी कि हमारा 4G RF नेटवर्क IC, और 2G और 3G RF में जाएगा, जो भी मेन RF होता है और 4G RF होता है उनमें जाएगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आपका मैक्सिमम टाइम VPS की शॉर्टिंग इन RFO से हट जाती है, मैक्सिमम शॉर्टिंग RF लाइन से ही हट जाती है आपकी। 1 पॉइंट है आपका VPS पावर जाएगी RF सेक्शन में, 4G RF पे, 2G 3G RF पे। PMI आपका अगर फोन में लगा है, PMI लगा है तो PMI के अंदर जाती है, क्योंकि यही VPS पावर लाइट सेक्शन के लिए उसी IC के अंदर जाती है दोबारा से। और अगर PMI नहीं लगा है आपका फोन में तो लाइट IC में तो जाएगी, तब डिस्प्ले बायस भी लगा होगा उसमें भी जाएगी, तब फ्लैश IC लगा होगा आपका उसमें भी जाएगी, और मेन पावर IC पे तो जाएगी ही जाएगी। अगर PM पे नहीं जाएगी तो फोन ऑन कैसे होगा, PM पे तो जाना ही जाना है उसको VPS पावर को। फिर सेंसर पे जाएगी, जो सेंसर होता है ना, जो आप कॉल करते हो तो कान के पास ले जाते हो तो लाइट बुझ जाती है, फिर हटाते हो तो लाइट जल जाती है, वो सेंसर, उस सेंसर में जाएगी। और LDO का जो कंपोनेंट होता है 4 लेग का होता है LDO कंपोनेंट, LDO कंपोनेंट्स में जाएगी, 4 लेग की LDO कंपोनेंट होती है, दिखाएंगे बोर्ड में कैसी होती है वो, उस LDO कंपोनेंट में जाती है। अभी LDO बनता क्यों है, इसको क्यों बनाया जाता है, LDO कंपोनेंट को IC के अंदर क्यों नहीं रखा जाता है, इस चीज को सब आगे बताएंगे एक एक चीज को, कि LDO की पावर क्यों बनती है। जब IC के अंदर वो पावर नहीं इनबिल्ड होती है तो बाहर बनती है वो पावर, और इस पर एक कमांड आता है CPU से, तभी ये चलती है। और LDO की जो पावर होती है, जो डायरेक्ट बनती है, वो हमारा पावर सिक्वेंस में बन जाती है, और कुछ पावर जो होती है CPU के कमांड पे चलती है, तो उसको कह सकते हैं कि उसको सॉफ्टवेयर कंट्रोल करती है। अभी 9 नंबर पे आपका कुछ है, यहाँ पे कुछ आप लोगों को पता है यहाँ पे तो बताइए, ठीक है। हेडफोन सेक्शन में भी कभी कभी चली जाती है, वेरीफाई कर दे सबको अब कि जाती है एक्चुअल में इन जगहों पर कि नहीं जाती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। CPU में आपका नहीं जाती है, EMMC चिप में नहीं जाती है, ठीक है, वाईफाई IC पे नहीं जाती है, ठीक है, इतने जगहों पे नहीं जाती है। चलिए फोन में वेरीफाई कर देते हैं इसको कि ये जाती है कि नहीं जाती है इतने जगहों पे। और भी मेरे ख्याल से कोई एक पॉइंट मिस हो रहा है। रिंगर की PA पावर एम्पलीफायर पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 10 नंबर, रिंगर PA छोटी वाली IC, यही कह रहा था कुछ छूट रहे, अब नहीं छूटा कुछ, अब कुछ नहीं छूटा।